थे, हमारे वर्कर हमारे साथ थे, खारान की आवाम हमारे साथ थी, इस बदनवान और ब्लैकमेलर लीडर एमपीए सना बलोच साहब के खिलाफ हम निकले थे। हमारी कोई जाती उनसे लड़ाई नहीं है, हम आपस में रिश्तेदार हैं, भाई हैं, एक इलाके से हमारा ताल्लुक़ है। हमारे निकलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि खारान के आवाम को साथ जो वादा किया गया था, चाहे वो पेरिस की शक्ल में हो या खारान की रोडों को जो है मोटरवे बनाने की बातें हों, उन सब को लेकर इसी हाल में हम निकले थे। आज खारान जो है इस सर्दी में पानी से महरूम है, इस सर्दी में भी खारान को पानी नहीं मिल रहा। पीएचई के जो है आपके सामने है, पीएचई के हवाले से भी हम जो है पसाली का शिकार है, और उसके अलावा जो है आपका बीएनडीआर का हो, सीएनडब्ल्यू के जितने भी आप देख ले स्ट्रक्चर हैं, रोड्स हैं, कुछ भी हमारे उसमें टाउन में नहीं है। और दूसरा जो है जाम हुकूमत में भी जाम साहब ने इनको 4.5 अरब रुपये दिए थे, उन्होंने अपनी आखिरी स्पीच में बलूचिस्तान असेंबली के फ्लोर पे ये बात कही थी। हम सना साहब से पूछना चाहते हैं कि वो 4.5 अरब रुपये कहाँ हैं, और जो सऊदी के स्कॉलरशिप आए थे उनमें जो है उन्होंने अपने बच्चे बेटे और बेटियों के नाम डाले थे खारान के, ठीक है आप अपने बच्चों के नाम डालें वो भी हकदार है, मगर सबसे पहले आप खारान के बच्चे और खारान की आवाम रक्षान की आवाम वो कांग गई। और दूसरा जो है ये कुछ हमारे मंशूर है जो हमने लिखे थे कि खारान में बाजार की तोसी का काम, बारिशों के दिनों में बाजार जो है एक तालाब का मंजर पेश करता है, और जो है सिर्फ 4 सालों में मीठी बातों और दो गोई और लोगों की पगड़ियाँ उचालना, उनकी इज्जत के साथ खेलना, उनके सिवा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जिस इंसान की कोई अपनी इज्जत ना हो दूसरे की इज्जत की क्या परवाह करेगा। अच्छा, इनके मंशूर में था कि खारान में तुलबा को स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाएगा, और तमाम हमारे जितने भी मौजूद सरकारी अफसरान हैं और हमारे जो यहाँ पे मकामी अफसर हैं, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर और छोटे तबका से, अगर वो किसी और सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वह उनकी बात नहीं मानते या इनको उनका कमीशन नहीं पहुँचाते हैं, तो ये जो है उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनको जो है यहाँ से ट्रांसफ़र करके भेज दिया जाता है, या उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करके उनको मुख्तलिफ धमकियाँ दी जाती हैं। आज हम जो निकले हैं हम अपने खारान के अवाम के लिए निकले हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा हमारा कोई ज़्यादा इनसे मसला नहीं है। जिनका अपना ज़ाती मसला था रेकोडिक का ठेका उनके पास है, सेंधक का ठेका उनके पास है, हाउस ऑफ द फ्लोर पे जिम्मेदारान बलूचिस्तान असेंबली और हुकूमत बलूचिस्तान ये बात अपने फ्लोर पर कही है कि वाजा आप जो है रेकोडिक की बात करते हैं, आप रेकोडिक को जो अपने लिए आपने बनाया हुआ बयानिया उसको आप लेकर जो है एक तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके अलावा जो है आप बलूचिस्तान हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? आपको रेकोडिक मिला, आपको 4.5 अरब रुपए मिले, और जो पिछले साल 30 करोड़ रुपए पानी की मत पीएचई के लिए मंजूर हुए थे उनका हिसाब कौन देगा? 35 साल आपने नाम लिया जनरल अब्दुल कादिर साहब का, आपने नाम लिया मीर अब्दुल करीम नौशरवानी साहब का, आपने मीर शुएब नौशरवानी का नाम लिया। अगर हम उनके खिलाफ ना होते या हमारा मंशूर उनके साथ एक ही होता तो आज इस रैली में वो हमारे साथ होते, हम इसको एक आल पार्टीज की नज़र में उठाते। हमारे उनके साथ ना होना, उनके करप्शन और उनके जो उन्होंने खारान के साथ किया है जुल्म ज़्यादतियाँ, हमारा जो है यहाँ पे कदम उठाना उन्हीं के उन सब के ख़िलाफ़ है जिन्होंने खारान को धोखा दिया है, जिन्होंने खारान को लूटा है, हम उन सब के ख़िलाफ़ है। सिर्फ जैसे मैंने पहले भी कहा सना साहब से हमारा कोई ज़ातियात नहीं है, चाहे वो कोई भी लीडर हो किसी से हमारा कोई ज़ातियात नहीं। हाँ, खारान के हवाले से, खारान की तरक्की के हवाले से, खारान के रोज़गार के हवाले से, और खारान के जो अभी लेवीज़ के आलिए पोस्ट रोके गए उनके हवाले से, ये मेरा ज़ाती मसला है। पीएचई के हवाले से और रोड और फंड स्कीम के वाला स्पीकर, इसमें ये है एमपीए को ठेकेदारी की मद में जो है कमीशन मिलती है, उसमें एमपीए जो है उस फंड को वहाँ इस्तेमाल करता है जहाँ पर वो खुद ठेकेदार है। जैसे आपके सामने है हमारा एमपीए और उसका भाई जो है वो एक ठेकेदार भी है, और इसके अलावा जो है आप कह रहे हैं कि अस्पताल और दूसरे जो हमारे स्कूल हैं कॉलेजेस हैं उन पर की तवज्जो नहीं दी जाती, उस पर इसलिए तवज्जो नहीं दी जाती है क्योंकि वहाँ पर जो है इनको कमीशन नहीं मिलता,